कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है सादिक सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी शुभंकर मिश्रा की और अफगानी तालिबान ने ईदी दी है किनको, सिखों और हिंदुओं को ईद के मौके पर। अच्छा क्या ईदी है, आइए मिलकर देखते हैं ये जबरदस्त सा वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। ईद के मौके पर तालिबान ने हिंदुओं और सिखों को ईदी दी है, एक बड़ा कदम उठाया है, एक ऐसा फैसला जिसको लेकर तालिबान की सराहना हिंदुस्तान कर रहा है। वैसे आप सभी तमाम दर्शकों को भी हमारी तरफ से ईद की शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आशा करते हैं कि ईद का चांद आपकी जिंदगी को रोशन करे। लेकिन अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने मानो अपने आप को बदलने का फैसला कर लिया है। अब वैसे तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान के लोगों के रिश्ते बड़े जबरदस्त हैं। अफगानिस्तान की टीम जब इंडिया खेलने आती है तो वो कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर हमें होम फैक्टर वाली फीलिंग आती है। तमाम अलग अलग खिलाड़ियों को हिंदुस्तान के लोग सराखों पर बैठा कर रखते हैं और अफगाने भी जो लोग हैं वो भी हम जैसे लोगों को सुनना समझना पसंद करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई थी तो ये डर पैदा हो गया था कि क्या हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बदल जाएंगे, खराब हो जाएंगे, क्या तालिबान हिंदुस्तान की सरकार के साथ रिश्ते नहीं बनाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट भी किया था, बहुत सारी चीजें जो है बनाई थी और अफगानी लोगों को लेकर हमेशा हिंदुस्तानियों के दिल में मोहब्बत रही है। लेकिन फिर जब तस्वीरें आई कि वहां से हिंदू और सिख जो हैं वो जा रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की जो किताब है उसको सर पर रखकर वहां से सरदारों का लौटना, ये सारी तस्वीरें दिल को दुखाने वाली थी। लेकिन अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। ये फैसला है कि अफगान में हिंदू और सिखों की जो जमीनें थी जिन्हें छीन लिया गया था या उन्हें बेदखल कर दिया गया था उन्हें वापस लौटाने का फैसला है। अफगानिस्तान के तालिबान अधिकारियों ने हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों को उनकी निजी प्रॉपर्टी बहाल करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है और ये कहा है कि अगर हिंदू सिख वापस लौटते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो भी तालिबान खुद उठाएगा। तालिबान कह रहा है कि आप वापस लौटिए हमारे देश में, हम आपको महफूज रखेंगे और आपकी जो भी जमीन है वो आपको वापस मिलेगी। ये खबर इस लिहाज से बड़ी हो जाती है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित आज तक पूरी तरह से लौट नहीं पाए। एक डर रहा कि वापस लौटें क्या होगा। पाकिस्तान में कई बार ये खबरें आती हैं कि हिंदू जो है एक ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, फिर कम होते 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 संख्या जो है बड़ी सीमित रह गई है। लेकिन अफगानिस्तान का ये कदम, तालिबान सरकार का ये कदम भारत के लिए भी एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि भारत और तालिबान के रिश्ते बहुत अच्छे तो नहीं रहे हैं लेकिन उससे पहले जो अफगानिस्तान की सरकार थी उसके साथ रिश्ते बड़े ज़बरदस्त थे। और अब जब तालिबान ये कह रहा है कि हम धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे तो फिर ये खबर बड़ी खबर हो जाती है। तालिबान के अधिकारी कह रहे हैं कि देश में जो लंबे समय से विस्थापित और हाशिए पर हैं उनको उनका हक दिलाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तालिबान की कोशिशों से सबसे उल्लेखनीय घटनाक्रम जो है वो हिंदू सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य नरेंद्र सिंह खालसा के काबुल वापसी है। खालसा हाल ही में कैनेडा से अफगानिस्तान लौटे हैं और भारतीय अधिकारी इस विकास को भारत के प्रति सकारात्मक संकेत के तौर पर देखते हैं। तालिबान ने इसके लिए बाकायदा एक आयोग भी गठन किया है और ये कहा है कि हिंदू और सरदारों के जो लोग थे उनके जमीनों को जो हड़पा गया है उसको लेकर अब धीरे धीरे ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं कि उनको उनकी जमीन वापस कर दी जाए। और अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जे के बाद बड़ी संख्या में, आपको भी याद होगा कि हिंदू सिख जूते छोड़ दिया था उन्होंने। इवन जिस नरेंद्र सिंह खालसा का जिक्र हम कर रहे हैं ये भी 2021 में इंडियन एयरफोर्स की मदद से अफगानिस्तान से निकल गए थे। अफगानिस्तान से दिल्ली आने के बाद यहां से वो कनाडा चले गए थे। हिंदू और सिख समुदाय अफगानिस्तान का एक अहम हिस्सा रहे हैं और इस समय दोनों समुदाय देश की कुल आबादी का केवल 1% ही हालांकि बचे हैं, लेकिन उस 1% में भी उनकी वापसी को एक पॉजिटिव संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि 1970 तक यहां पर अच्छी खासी आबादी सिखों की और हिंदुओं की हुआ करती थी, लेकिन 70s-80s में जो राजनीतिक उथल पुथल हुआ, सोवियत आक्रमण हुआ, उसके बाद हिंदू सिख जो थे वो अफगानिस्तान धीरे धीरे छोड़ने लगे और 70s के बाद से ही काफी हद तक लोगों ने अफगानिस्तान के साथ रिश्ते तोड़ना शुरू कर दिया था और छोड़ना शुरू कर दिया था।
ऐतिहासिक रूप से इनकी आबादी 1% है, लेकिन ये जो पलायन था उसके पीछे वजह सोवियत आक्रमण बताया जाता है। और अफगानिस्तान को अगर आप इतिहास से पढ़ेंगे तो ये भी समझ में आता है कि वहाँ की इकॉनमी में हिंदू और सिखों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये बात केवल हम नहीं कह रहे, ये बात अफगानिस्तान के जो तालिबान के प्रमुख हैं सुहेल शाहीन, वो भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में हिंदू और सिखों ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी और हम चाहते हैं कि वो वापस लौटें ताकि हमारे देश की तरफ भी लोग पॉजिटिव तरीके से देखें। तालिबान के अधिकारियों ने ये कहा है कि ईद के मौके पर हम सबको वापस इनवाइट करते हैं। अब ये इंडिया में आपको याद होगा सीए की खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो हिंदू निकाले गए हैं या वहां से भाग कर आ गए हैं उनको यहां पर नागरिकता दी जाएगी। ऐसे में अफगानिस्तान का ये कदम जो है हो सकता है शायद बड़ी संख्या में लोग जाएं या ना जाएं, लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज की तरफ जरूर है कि अफगानिस्तान भी ओपन होकर कोशिश कर रहा है कि उसकी तरफ भी लोग ईमानदारी से देखें। लेट्स जस्ट होप कि अफगानिस्तान के लोगों के अच्छे दिन आए और जो हिंदू सिख जो अफगानिस्तान की सरजमी पर जाना चाहते हैं, अगर उन्हें तालिबान की सरकार भरोसा दिलाने में कामयाब हो जाती है कि आप हमारे यहाँ लौटिए और हम आपको आपकी ज़मीन, आपका हक, आपका सम्मान देंगे और वो जाना चाहते हैं, तो उनके लिहाज से एक अच्छी खबर है। इस खबर को लेकर आपका नजरिया क्या है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या बात है जी, बहुत ही जबरदस्त और कमाल का वीडियो था। मैं कहता हूं कि इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक ऐसा उनका काम जो कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान हुकूमत को करना चाहिए था, क्योंकि तालिबान जो कि बंदूक की भाषा समझते हैं, दहशतगर्द तंजीम है, आज वो अपने देश को चलाना चाहती है। अगर वो ऐसा बड़ा फैसला लेना चाहती है तो मेरा ख्याल है कि उस फैसले के पीछे यही है कि वो अपने आप को बदलना चाहते हैं। वो हमेशा से जो लड़ते आए हैं, मार खाते आए हैं और अपने मुल्क की बर्बादी, अपने लोगों की बर्बादी लिखते आए हैं अपने ही हाथों से, अब वो भी समझ चुके हैं, अब शायद वो भी थक चुके हैं कि खून बारूद और इसके होली से कुछ भी नहीं बन पाएगा, ना हमारे मुल्क का बन पाएगा, ना किसी जगह का बन पाएगा। अगर हमने अपना मुल्क चलाना है, अपने लोगों को एक फ्री और सेफ और पुरअमन माहौल फराहम करना है, तो उसमें वो सब भी होगा जो पहले हुआ करता था, जो वहाँ के लोग जो हिंदू थे, जो सिख थे, उनकी ज़मीनें जो छीन ली गई थी, जो यहाँ पे बेदखल कर दिए गए थे, उनको वापस करने का जो इकदाम है, मैं कहता हूँ ये कमाल है, बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। और ये वाकई उस जानिब जो एक कदम है उनकी बेहतरी की तरफ, तो दुनिया को, पूरी दुनिया को इस चीज़ को सराहना चाहिए कि यार ये तो कमाल कर दिया तालिबान ने। क्या वाकई में वो बंदूक छोड़कर एक पुरअमन रियासत के क्याम की तरफ जाना चाहते हैं कि या फिर ये कोई और बात है, लेकिन इस ईद के मौके पर उनका ये इकदाम मेरे ख्याल में काबिले तारीफ है, काबिले तहसीन है, जितनी भी इसकी तारीफ की जाए कम है। बिल्कुल ऐसे है जी, देखिए बदलती दुनिया के साथ, बदलते दौर के साथ, जो टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, ये कंप्यूटर साइंस का जो दौर चल रहा है, उस दौर के साथ अगर तालिबान अपने माइंड को बदल रहा है, अपनी सोच को बदल रहा है, तो भाई इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जिसके बारे में सारी दुनिया ये जानती है कि वहां पे ऐसे यानी कि तालिबान रहते हैं कि जो बात बाद में करते हैं गोली पहले मार देते हैं, ऐसे इंसान यहाँ पे रहते हो, और वही इंसान अब देखे, दुनिया देख रही है कि वो इंसान अपनी सोच कैसे बदल रहे हैं, वो तालिबान अपने आप को कैसे बदल रहे हैं, वो अपने आप को कैसे बिल्ड कर रहे हैं। ये चीज जो है वो अब ये देखो तालिबानों से ये सीखनी चाहिए कि देखे वो कैसे अपने जहन को बदल रहे हैं, वो कैसे अपने मुल्क की तरक्की के लिए कैसे कैसे वो फैसले ले रहे हैं, कैसे कैसे इकदाम उठा रहे हैं। तो लेकिन क्या है कि सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए मुखलिस है, वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये देखिए तो जो जमीनें और जो दुकानें जो चीजें उनसे हिंदुओं से, सिखों से, वहां से छीन ली गई थी, उनको बेदखल कर दिया गया था, उनको वापस मिलने जा रही है, उनको वापस देने का उन्होंने ऐलान किया। ये देखिए कैसे कैसे वो फैसले कर रहे हैं, ये देखिए ये होती है तब्दीली, ये होता है बदलाव जो अपनी जिंदगी में लाना चाहिए। एक इंसानियत, इंसान होने के नाते इंसानियत को प्रमोट करना चाहिए, अमन और प्यार का जो दर्ज देने वाले हैं वो ऐसे ही जो है ऐसे ही काम करते हैं जो सरेआम नजर आते हैं। ये देखिए ये वीडियो पता कितनी वायरल होगी कि ये देखिए कि तालिबान बदल रहा है यार, ये मुसलमान बदल रहा है। बिल्कुल जी, देखिए कि इससे जो इबरत हासिल करनी चाहिए हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट है, जो भी करने वाले हैं, जो भी इदारे हैं सारे, कि भाई आपसे बढ़कर तो माइनॉरिटी का ख्याल वो कर रहे हैं
जिनको इंतहा पसंद पता नहीं क्या क्या, तो पूरी दुनिया में जो है ना उनको जो बैन किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो अपनी मिनोरिटीज के लिए ऐसे फैसले कर ले और इस मौके के ऊपर, तो फिर भाई क्या बात है, कमाल है जी, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए अगर हम इन चीजों को अप्रिशिएट करेंगे, उनको दाद देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी जो खवातीन को लेकर जो हठधर्मी है, इंतहा पसंदगी है, वो भी कम होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरफ भी आएंगे। तो ये बहुत बड़ा इकदाम है कि देखिए कि हम जो है यहाँ पे जो पाकिस्तानी मुस्लिम है, हम उनकी जो चीजें जब्त कर लेते हैं तो उनको वापस नहीं करते, तो वो जो है ना माइनॉरिटी की जो जायदादें हैं उनको वापस करने का उन्होंने ऐलान किया है, तो बड़े खैस गाली का उन्होंने ऐलान किया है। तो बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तानियों को भी सीखना चाहिए कि भाई जो हमारी माइनॉरिटी है, जिनके साथ ज्यादतियां हो चुकी हैं, उनका मदावा करने के लिए ये भी ऐसा कुछ करें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उनके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो आपका ईमान भी जो है ना वो खत्म नहीं होगा। इंसानियत के लिए फैसले कीजिए, चाहे आप जितने भी आपकी इंतहा पसंदी है, जब आप इंसानियत के लिए काम करोगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, वो आपकी पिछली की हुई गलती कोताहियों को भूल जाएंगे कि भाई पहले इन्होंने ये किया या ये किया, लेकिन अब ये अच्छे इकदाम कर रहे हैं, इनको मौका मिलना चाहिए। अगर पाकिस्तानी भी ऐसी कोई मुखलसाना काम करने की कोशिश करें तो इनको भी दोबारा से इज्जत मिल सकती है। अगर तालिबान अपने जो है ना लोगों के दिल में अपनी छाप छोड़ सकते हैं, अपनी माइनॉरिटी को हक दे सकते हैं, तो पाकिस्तानियों आपको भी चाहिए कि आपकी माइनॉरिटी क्यों कम हो रही है, क्यों उनकी जो जगह है जो जमीन। देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज हमारे लिए मसला बनता है वो मजहब का फैक्टर है। मजहब का फैक्टर क्या है कि यहाँ पे उनको जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको अपनी जो मजहबी रसूमात है उनको वो अदा करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है जबरदस्ती। लेकिन अगर यहीं पे ये कट्टर तालिबान अगर उनको उनकी जमीनें वापस कर रहे हैं तो फिर तुम तो फिर थोड़े से सेकुलर हो, फिर तो तुम में तो थोड़ी सी फिर तहजीब है उनके मुकाबले में। तो हमें ये पहल करनी चाहिए थी, लेकिन इसमें भी अफगानिस्तान वाले बाजी ले गए। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।